जैसे कि नाम देना पड़ता है कि मेरा मैं फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन और रिसेंटली मैं पास आउट हो गया हूँ। और इसके अलावा जो स्टोर के हवाले से मैं आपको जो लेक्चर देने जा रहा हूँ जो बताऊँगा ये कोई वो नहीं कि बल्कि मेरा एक रिसर्च पैटर्न था जो प्रैक्टिकली जो मैंने किया विद यानी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता दूँगा कि जो मौजूदा कंडीशन है और माजी में स्टोर क्या था। तो उससे पहले अगर मैं अपना लेक्चर शुरू करूँ तो शायद बहुत गलत हो जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ये जो यानी जिसने इसका आइडिया दिया कि एजुकेट जीवी या जिसने यहाँ तक पहुँचाया इनके तारीफ किए बगैर अगर कुछ बोले बगैर मैं आगे बढ़ूँ तो शायद गलत लगेगा। इसलिए कि बस इतना कहूँगा कि टाइम वेस्ट किए बगैर जिस कौम के अफराद में तंजीम नहीं है वो कौम कभी लायक ताज़ीम नहीं रहेगा। क्या बात है, जिन्होंने कामयाबी की फर्स्ट सीढ़ी जो होती है फिर मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह किसी और सेशन में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बेसिकली टीम वर्क क्या होती है, टीम वर्क के होने से टीम वर्क के पावर क्या है, उसके होने के फ़ायदे क्या होते हैं, उसके ना होने के नुकसान क्या होता है, किसी और उसमें इंशाल्लाह बात करेंगे। अलग टॉपिक होता है। खैर अभी मैं जिला स्टोर के बाद जिला स्टोर गिलगित बल्तिस्तान के इन खूबसूरत इलाकों में शुमार किया जाता है जो अपने कुदरती हुसन से मालामाल। जिले अस्तोर सत्ता समंदर से 2600 मीटर पर की बुलंदी पर वाक़ा है जो गिलगित शहर से 120 किलोमीटर पर। और बताते चलूँ कि ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे तमाम बड़े जो मेन अजला है इनसे टच करता है, यानी इनसे मिलता है कहीं जाके। अगर आप दियामर से डिस्ट्रिक्ट दियामर से आप आ रहे होते हैं थैलिस से उस पार बोंजी से आपको गिलगित टच करता है। अगर थैलिस से आप सीधे रोड से आ रहे होते हैं तो आगे जुबसई से लेफ्ट पे आप सिकरदू पहुंच जाते हैं और राइट से आप शुंडर का जाता है तहसील शुंडर वहाँ से आप निकलते हैं तो आज़ाद कश्मीर पहुँच जाते हैं। तो जो यानी तकरीबन मेन जो बड़े अजला है इन सबसे ये टच करता है। इसके अलावा अस्तोर की मकामी जबान जो है वो शिना है और अस्तोर डिस्ट्रिक्ट अस्तोर जो है यानी 100 से ज़ायद छोटे बड़े गांवों पर मुश्तमिल ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके 3 तहसील है, डिस्ट्रिक्ट अस्तोर का मेन हेडक्वार्टर और इसके बाद तहसील शोल्डर और तहसील मियामर। और जिले अस्तोर के एक सियाती जो इलाके जो मशहूर इलाके जो घूमने फिरने के जिनको कहा जाता है मशहूर इलाकों में ईदगाह चीलिम और तरशिंग चोंगरा जैसे कई मशहूर इलाके सियाती इलाकों में शुमार किए जाते हैं। और इसके अलावा सियाती जो मकामात थे जिनमें आप नंगा पर्वत रमा और शंगरीला झील और इसके साथ लेला पी अस्तोर की पहचान समझी जाती है। अगर हम माजी की अगर बात करते हैं अस्तोर के हवाले से तो माजी में जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि ये मेन बड़े अजला से टच करता है, माजी में अस्तोर का एक जुग्राफी अहमियत के एतबार से एक वजन था। जितने लोगों का जीबी के अंदर जीबी के आना जाना होता वो थ्रू अस्तोर कश्मीर से आते क्योंकि आपका कैकेश नहीं था, कोई रोड अस्तोर के गिलगित बल्तिस्तान के लिए कोई रास्ता नहीं था जो पाकिस्तान से आप कनेक्ट हो सके, वहाँ से आपको तालीम आपके खाने पीने के एशिया वगैरह आप वहाँ से ला सके, कोई रास्ता नहीं था। लोग तालीम हासिल करने के लिए आपको कश्मीर जाना होता, अपने खाने पीने की एशिया के लिए गंदम वगैरह खजूर वगैरह के उसके लिए आपको कश्मीर जाना होता और कश्मीर जाने के लिए आपको अस्तोर से गुजरना होता, अस्तोर से ही कश्मीर का रास्ता पड़ता। तो जिसकी वजह से लोग उस वक्त जो है कि अस्तोर आपके गिलगित बल्तिस्तान का हेडक्वार्टर था, क्यों कहा जा सकता है कि आज अगर हम गिलगित बल्तिस्तान है एक बहसियत सूबे के हुकूमत जो हमें दिए गए जिसके है आज हम अस्तोर की वजह से हैं गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि अस्तोर के थ्रू लोग कश्मीर जाके